बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद ऑन माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ जी आप सब हरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप सबको मेरी तरफ़ से माह रमज़ान की आमद जो है वो मुबारक हो, और अपनी खसूसी दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। आज रोज़ा है जी दूसरा, और अभी मैं आया हुआ हूँ सुबह 7 बजे का ना, मैं और सुलेमान भाई अपने पुराने घर गाँव। अब रमज़ान शरीफ की वजह से ना जो ट्यूशन का टाइम है वो चेंज कर दिया। पहले था ना 9 बजे हम आया करते थे सुबह, लेकिन अब 7 बजे हम आ जाते हैं और 9 बजे छुट्टी हो जाती है। कल पहला रोज़ा था तो मौसम थोड़ा सा गर्म था, गर्मी थी, थोड़ी सी प्यास जो है वो महसूस हुई थी, लेकिन अभी 9:30 का टाइम हो गया सुबह का, तो धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई, बादल बने हुए हैं, बड़ा प्यारा मौसम है। तो थोड़ी देर पहले ना तारिक भाई की मुझे कॉल आई हुई थी, उन्होंने जाना है कहीं किसी काम से हेड मराला की तरफ, तो मुझे उन्होंने कॉल की हुई थी कि आप भी मेरे साथ चले। अभी मैंने जाना है तारिक भाई के पास, और फिर वहाँ जा कर तो आप सब की उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। हुसैन आपकी आवाज़ नहीं आई, क्याम तुम्हारी भी, चलो आप चले अंदर। ये जी व्यू चेक करें, दरियाए चनाब, ये दरियाए चनाब का व्यू जी, ये देखें, और मौसम भी आपके सामने माशाल्लाह। हेड मराला पानी काफ़ी ज़्यादा है, मशीनरी जो पुल के साथ लगी हुई है, ये दरे बने हुए हैं जिनसे पानी को रोका जाता है, और जब पानी की जो है ना इजाफा हो जाए तो फिर दरों को खोल दिया जाता है। वाह जी वाह, फिलहाल जी मैं और तारिक भाई जो हैं हम लोग आ गए हैं मराला। इधर तारिक भाई को कोई काम था बैंक में, मेरे सामने है HBL बैंक, अभी उधर गए हैं वो, और मेरे पीछे जो आपको ये थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, ये हेड मराला से ना नहर निकली हुई है, फिलहाल इसे बंद किया हुआ है पीछे से, इसके साथ एक अगली तरफ एक और नहर है वो अभी जो है ना वो चल रही है, फिलहाल ये ना बंद है, इस वजह से
इसमें पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा है, ये चेक करें। हेलो क्या हूँ जाता है फसलों को, पंजाबी में इसे बोलते हैं जी सुवा। लेकिन इसका फायदा कोई नहीं, नहर जो है ना वो बिल्कुल तकरीबन खुश्क होने वाली, पानी बिल्कुल काम में ना होने के बराबर, और इलाका जो है वो तालबान का शुरू हो गया। अब अल्लाह ही खैर करे। ये ना कोई डेयरी फार्म है ये, तो इधर आए हैं हम। है हूं पे ये चंद्री पिछले सुबह दी, तो पिछले सुबह इन समझो पहले एक बन आई उस चलो है यार नाल बन जी वो पछड़ वाला भी जना आई आद कोई पूछता है। ये है जी डेयरी फार्म, और तारक भाई का अपना एक शौक है, जानवर रखे हुए हैं इन्होंने घर में, तो बस कोई जानवर इन्हें पसंद था तो इधर आके देखना था, उसकी वीडियो मैंने शूट की है थोड़ी सी। खैर मुझे तो कोई नहीं शौक, लेकिन तारक भाई को है। एक साइड पे गाय जो है वो बंधी हुई है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शेड बना हुआ है बड़ा प्यारा सा, इसमें भैंसे हैं। ये बैल हैं जी कुर्बानी के लिए, दो ये हैं और एक ये है, और बाकी ये सारी छोटी बाल्टी एक तरफ। ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰ ਦੇ
फ़िलहाल जी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ज़ोर की, तकरीबन 2 बजे वापस आए थे मैं और तारिक भाई। खैर मौसम तो अब भी ठंडा ही है, रोज़ा तो नहीं लगा लेकिन थकावट जो है वो महसूस हो रही थी, तो मैं जैसे ही आया तो मैं सो गया था। अभी उठा हूँ, वज़ू किया और नमाज अदा की है ज़ोर की। अभी 2 नफल जो है वो पढ़ने वाले रहते हैं और इसके बाद जी बाहर बच्चे आए हुए हैं उनको पढ़ाना है, तो आप लोग वीडियो देखें और मैं अफ्तारी से पहले पहले जो है उनको छुट्टी भी करनी है बच्चों को पढ़ा के। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं, यहाँ आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।